एपिसोड ऑफ मैन बूस्टर विद करियर प्लानर। जहां तक कि हमारा आपसे प्रॉमिस था कि भाई एसआईसीआई का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो ऑब्वियस ही बात है आज हम लोग एसआईसीआई के नेक्स्ट पार्ट करने वाले। बेटा आपके लिए जो इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, प्लीज अगर आपको थोड़ा भी ये बेनिफिशियल लग रहा है तो प्लीज हमारे वीडियोस को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ज्यादा ज्यादा उन बच्चों तक जाए जो कि भाई इसका इस वीडियो का फायदा फ्री में उठा सके। और ऑब्वियस ही बात है ये बंदा आपके लिए मेहनत कर रहा है, रात के 3 बजे कौन वीडियो बनाता है यार, फरवरी के सुबह महीने में कौन कौन ये सोना पसंद नहीं करता। अब थोड़ा बेटा आगे आते हैं, थोड़ा पढ़ाई करके देखते हैं। एक बात और कि ऑब्वियस ही बात है कि आप लोगों ने थोड़ा जब पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो प्लीज पहले पार्ट में पहले आ दो। और बेटा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे ये है कि हमारा प्रिंसिपल जो है वो 16,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5% है और जो हमें टाइम किसने दे दिया वो दे दिया है क्या, टाइम दे दिया है 2 ईयर 6 मंथ। हमें ये बातों को सुनना, अब टाइम है 2 ईयर 6 मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और प्रिंसिपल 16,000। किसी ने आपसे कहा क्या कि भाई ये यहाँ पे आप निकाल के दिखाइए इंटरेस्ट, तो सर आपको लास्ट क्लास में आपसे मैंने कहा था कि 2 साल के लिए रेशियो 2:1 होता है, 3 साल के लिए रेशियो होता है 3:1 और 4 साल के लिए रेशियो होता है 4:6:4:1। और आपसे क्या कहा गया कि 2 साल 6 महीना निकालना है। बेटा 2 साल 6 महीना का मतलब क्या होता है, 2 साल 6 महीना का मतलब होता है 2 साल पूरा, उसके बाद 6 महीना मतलब तीसरे साल का आधा। तो इसका मतलब क्या होता है, 2 ईयर 6 मंथ का मतलब 2 साल पूरा और उसके बाद 6 महीना, यानी मेरे को 2 साल पूरा चाहिए। और 6 महीने का मतलब क्या, जब भी कभी आपको 6 मंथ 2 मंथ्स डेज मिलेगा उसको ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये तो 2 ईयर मैंने यहां पे लिख लिया लेकिन वो 6 मंथ है, उसको लिखेंगे 6/12। हम इसको लिख सकते हैं 6/12 ईयर, यानी हमारे पास जो यहाँ पे टाइम आ गया वो आ गया 2 whole 1/2 ईयर। कुछ ऐसा सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, हमने टाइम लिखा, टाइम है 2 ईयर 6 मंथ, तो हमने करना क्या है कि हमने लिखना है 2 ईयर और 6 मंथ को कन्वर्ट करेंगे ईयर में और वो कितने ईयर के बराबर होगा, 1/2 ईयर। अगला स्टेप हमें क्या समझना है, हमें समझना है यहाँ पे ये है कि बेटा यहां क्या चाहिए, यहां चाहिए आपको 2 साल इंटरेस्ट पूरा और आधा और साल, यानी 2 साल पूरा इंटरेस्ट चाहिए और तीसरे साल का आधा। गौर सुनना, 2 साल इंटरेस्ट पूरा चाहिए और तीसरे साल का क्या चाहिए आपको, आधा। तो हम कैसे बनाएंगे, हम देखेंगे कि हमारा प्रिंसिपल 16,000 है, यहां पर लिख देंगे 16,000। मेरी बातों को सुनिएगा, 2 साल पूरा चाहिए यानी 2 साल पूरा चाहिए यानी रेशियो होगा 2:1। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद आधा साल, यानी 2 साल हमें पूरा चाहिए लेकिन फिर तीसरे साल का आधा। अब मेरी बातों को सुनना थोड़ा, तीसरे साल का आधा कहने का मतलब क्या, 2 साल में आपने देखा कि 2 साल में जो 2 साल में रेशियो होता है 2:1, यहां से हम 2 सालों का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन बात आई अगर तीसरे साल की, तो तीसरे साल में रेशियो होता है 3:1 और 2 साल में रेशियो होता है 2:1। करेंगे क्या, दोनों को घटा दें, दोनों को घटाएंगे, ये बचेगा 1, ये आएगा 2 और ये क्या आएगा 1। यानी अब करेंगे क्या, हमने ऐसा ही क्यों किया वो देखिए, ये 3 साल 3 ईयर और ये क्या है 2 ईयर। अगर 3 साल में से 2 साल का इंटरेस्ट आप घटाएंगे तो बचा हुआ इंटरेस्ट कौन से ईयर का आएगा, 3rd ईयर का। ऐसा ही क्यों करा, आप खुद सोचो, इसको लिखेंगे 1st + 2nd + 3rd और इसको लिखेंगे 1st + 2nd और दोनों घटाएंगे तो 1st और 2nd घट जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ 3rd। यानी क्या आप कह सकते हैं कि 2 सालों का रेशियो, अगर 2 साल का अगर निकालना है इंटरेस्ट तो वो होगा 2:1, लेकिन वही का इंटरेस्ट निकालना आपको 3rd ईयर का तो 3rd ईयर का इंटरेस्ट होगा 1:2:1। अब देखिए कैसे काम करें, 16,000 का 5% निकालेंगे, तो 16,000 का 5% क्या होता है, 16,000 का 5% कुछ और नहीं होगा 800। कैसे निकाला, 10% निकाल के आधा कर दिया, 16,000 का 10% 1600 और 1600 का आधा 800। उसी तरीके से 800 का 5% निकाला तो वो आएगा 40।
यानी आप कहेंगे क्या 800 गुना दो यानी क्या 1600 और प्लस 40 यानी दो साल का इंटरेस्ट आ गया 1640, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं तीसरे साल की, तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल का 5% यानी 800, फिर 800 का 5% 40, 40 का 5% 2, फिर देखो 800 गुना 1 800, 40 गुना 2 80 और 2 गुने 1 2, यानी आप कहने वाले हैं क्या कि भाई पहले दो साल में इंटरेस्ट मिलेगा 1640, लेकिन जो तीसरे साल का इंटरेस्ट होगा वो 800 प्लस 80 प्लस 2 यानी 882, लेकिन आपको पता है कि जो आपको टोटल इंटरेस्ट देना है वो कितने साल का देना है, 2 ईयर प्लस 1/2 ईयर, यानी दो साल पूरा चाहिए, दो साल पूरा चाहिए यानी 1640 चाहिए, और फिर क्या चाहिए आधा, फिर आधा चाहिए का मतलब साफ है कि जो आपको 882 मिला है वो 882 पूरा तीसरे साल का है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दो साल के बाद तीसरे साल का आधा चाहिए यानी मल्टीप्लाई कर देंगे यहां 1/2 से। अब उसके बाद जो अल्टीमेटली हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा वो देखिए, अल्टीमेटली उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कुछ और नहीं, ये हो गया कितना, ये हो गया 1640 और इसको काटेंगे हम लोग 441, आंसर होगा 1 4 प्लस 4 8 एंड 6 प्लस 4 यानी कि 2081, दैट इज आंसर। हमने क्या किया, हमने सिंपली इन दोनों को जोड़ दिया, हमारा आंसर क्या आ गया 2081। बेटा मेरे को समझाने में जो वक्त आपको लग जाए, लेकिन अगर आप सही मायने में इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफी आसान से बन जाएगा, दूसरे तरीके से तो काफी आसान से बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 1640 प्लस 441 यानी क्या 2081। मैं आपके लिए एक एग्जांपल और ले रहा हूं, कुछ इस तरीके का सवाल आपको मिला। जैसे अब आपको टाइम जो है वो 2 ईयर 3 मंथ है, तो बच्चा पहले टाइम पे बात करेंगे, टाइम क्या होगा, टाइम तो 2 ईयर है पहले पूरा चाहिए, 3 मंथ का मतलब 3/12 यानी 1/4 ईयर, यानी आपको 2 साल पूरा चाहिए लेकिन तीसरे साल का 1/4 भाग। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या काम करेंगे, करेंगे कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे 40,000, दो साल पहले निकालेंगे यानी 2:1, उसके बाद तीसरा साल 1:2, 2:1, 40,000 का 10% क्या होता है 4,000, 4,000 का 10% 400, 4,000 गुना 2 8,000, 8,000 प्लस 400 यानी होगा 8,400, ओके। फिर हमने देखना है, डाल जाना है 38 पे, तो 38 पे कैसे जाएंगे देखिएगा, मैं थोड़ा इसको रफ करूंगा, ये आएगा कितना 4,000, 4,000 का 5% निकालेंगे कितना आएगा 400, और 400 का निकालेंगे सॉरी 10% कितना आएगा 40, सब 10-10% है, ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10 और ये भी 10, देखो मैंने इतना लंबा लंबा लाइन खाली लिख दिया आपको दिखाने के लिए लेकिन आपको उतना पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं बेटा, हम मजबूर है लेकिन आप नहीं, आगे अब देख सकते हैं मजबूर इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, मेरे को समझाना है, मेरे बच्चे है ऑब्वियसली बात है, मगर मेरे बच्चे नहीं मतलब मेरे स्टूडेंट्स है, उन लोगों को समझाना है, तो उन लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सर कहां से लिख दिया क्या लिख दिया, कुछ चीजों को समझाने के लिए थोड़ा सा होता है बेटा। अब आइए देखिए 4,000 गुना 1 यानी 4,000 आएगा, 400 गुना 2 800 आएगा प्लस 40,
अगर आप गौर से देखेंगे तो पहले दो सालों में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 8400 प्लस, लेकिन यहां जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 4840, वी कैन इजीली से। और ये जो इंटरेस्ट है वो तीसरे साल का, पहले दो साल का जो इंटरेस्ट है, टू ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 8400 रुपया, और अगले तीसरे साल का जो इंटरेस्ट है, थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है आपका 4840। आपको क्या चाहिए, दो साल पूरा और तीसरे साल का 1/4, यानी इसका निकाल लेंगे 1/4, काटिए इतना हो जाएगा, काटोगे लिखोगे यहां पे 1210, मर्ज कर देते हैं 0169, यानी आंसर होगा 9610। दैट इज सो सिंपल, मेरे समझाने में जो वक्त लगे आप कर बहुत जल्दी सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, आते अपने अगले सवाल पे। लिखा हुआ है क्या, द सम इज इंक्रीज बाय 75% इन 15 ईयर, व्हाट इज द CI on some 8000 at the same rate for 3 years। एक पैसा जो है वो सिंपल इंटरेस्ट की दर से 75% इंक्रीज कर जाता। 75% इंक्रीज का मतलब क्या है, 75% इंक्रीज का मतलब है क्या कि 75% का ब्याज मिलता है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, कितने साल में, तो 15 साल, यानी साफ साफ सी बात है यहां सिंपल इंटरेस्ट और यहां प्रिंसिपल सिंपली काउंट होता है, इंटरेस्ट सिंपली काउंट होता है। अगर एक साल में आपको इंटरेस्ट 10% देना है तो 2 साल में 20, 3 साल में 30, 4 साल में 40 और 5 साल में 50। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो एक साल में आप 8% इंटरेस्ट देंगे तो 2 साल में 16, 3 साल में 24 एंड श्योर। मेरी बातों को थोड़ा सीखना यहाँ पे। अब है क्या कि आपको बोला गया कि SI जो है वो 75% से इंक्रीज कर जाता है पैसा। SI से कोई भी पैसा 75% इंक्रीज कर जाता है कितने साल में, 15 साल में, यानी 15 साल में इंक्रीज किया 75%, तो एक साल में कितना इंक्रीज करेगा 75/15, यानी 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया हमारा 5% आ गया। अब बोला है क्या कि बताइए 8000 के हिसाब से अगर प्रिंसिपल 8000 है तो 3 साल का CI बता दो। कितना आसान सवाल है, देख लो, ऐसे ही सीधे सल में छोटे छोटे सवाल होते हैं। अब देखो प्रिंसिपल 8000, रेशियो क्या हो गया 3:3:1। तो चलिए देखते हैं, अब हमारा बात क्या था, अच्छा प्रिंसिपल 8000, ओके तो चलिए देखते हैं 3 साल का निकालते हैं। 8000 का 5% निकालेंगे कितना आएगा 400, 400 का 5% निकालेंगे कितना आएगा 20, 20 का 5% निकालेंगे कितना आएगा 1। चलिए निकालते हैं, 400 × 3 = 1200, 20 × 3 = 60 और 1 × 1 = 1, यानी आंसर होगा 1261। अब देख सकते हैं इतना आसान इतना प्यारा सा सवाल है, बन गया तुरंत। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अब अगला सवाल जो है तो थोड़ा सा बढ़िया है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़िया, क्यों वो सुनिएगा क्या कहा गया, पहले बातों को सीख लेते। बोला गया है 8000 rupees borrow at the rate 10% per annum on SI for 2 year, if rate is calculated half yearly then compound and compounded, find out the difference between SI and CA। okay, एक पैसा जो है वो 8000, उसको 2 सालों के लिए एट द रेट 10% पर अनम उधार लिया गया था, 2 सालों के लिए एट द रेट 10% पर अनम उधार लिया गया था और लिया गया था कैसे, ऑन SI। लेकिन बोल रहा है इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड कंपाउंडेड हाफ ईयरली फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CA। अब मेरी बातों को सुनिएगा, पैसा आपका 8000, भाजी बहुत सही, टाइम कितना है 2 साल, बहुत सही,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% पर एनम। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑन एसआई कैलकुलेट कर रहे हैं। अब लेकिन अगर ये सीआई से कैलकुलेट होता तो कितना देना पड़ता बेटा, एक बार समझना। हाफ ईयरली सीआई बोला, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? देखो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया थे कि भाई इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और वो हर एक साल का इंटरेस्ट मैं आपसे जोड़ रहा था, यानी एक साल के बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब हर एक 6 महीने में आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कहने का मतलब साफ साफ कि देखो यहाँ पे आप तो आपको बहुत डिटेल में हम नहीं जा सकते, लेकिन आप इतना समझिएगा कि अब जो हमारा हाफ ईयरली का मतलब होता है 2 साल, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीना, यानी अब ये समझना है कि 2 साल में कितने 6 महीने होते हैं। खुद बात ऐसे समझिए, अब 2 साल में कितने 6 महीने होते हैं, तो 2 साल में कितने हाफ ईयर होंगे, 4। यानी अब हमारा नया जो सवाल बना है उसमें टाइम हम रखेंगे 4। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% कैसे थे पर एनम, लेकिन अब हमें यहाँ क्या चाहिए, पर एनम चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए। यहाँ दिया हुआ है पर एनम और चाहिए यहाँ क्या, हाफ ईयरली। यानी दिया हुआ है 12 महीने का और चाहिए हमको 6 महीने का। 12 महीने में इंटरेस्ट 10% का है, तो ऑब्वियस ही बात है 5 महीने में जो 6 महीने में इंटरेस्ट होगा वो कितने परसेंट का होगा, 5% का। थोड़ी भी दिक्कत आपको एक बार फिर से सुन लो, हाफ ईयरली में आप कहीं पे लिख लीजिए, हाफ ईयरली में टाइम डबल करते हैं और रेट आधा करते हैं। देखो बेटा ये वीडियो सेशन है, वीडियो सेशन में आपको इसमें ज्यादा डीप में तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमको 36 आवर में पूरा प्रोग्राम भी नहीं करना है और सब कुछ को लेके भी चलना है, वीडियो को भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं करने देना है। तो अब इस चीज को थोड़ा समझिएगा, आपने देखना है क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है 5%। हुआ कैसे, 2 साल पूरा, खुद सोचो 8000 था, 2 साल एट द रेट 10% पर नाम से दिया गया। लेकिन अगर इसको सीआई करेंगे हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली का मतलब 2 साल में कितना हाफ ईयर होता है, 4। हाफ ईयर का मतलब 6 महीना, यानी ऑब्वियस ही बात है टाइम क्या हो गया हमारा, 4। यानी अब 6 महीना पूरे साल के बराबर बीतेगा। थोड़ा सा फीलिंग जगाइए तब सीख पाइएगा। आपने समझना है, आपने भूलना है कभी भी कि भाई 1 मिनट तो अब 1 साल के बराबर बीतता, वैसे ही हाफ ईयरली होगा तो समझ लो बेटा कि 6 महीना पूरे साल के बराबर बीतेगा। अब कहानी यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। बस थोड़ा सा हमारे साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आपका नहीं आप ही का आएगा। जो पा लिया उसे खोया नहीं, और जो खो लिया उसे कभी उसके बारे में कभी सोचा नहीं, किस्मत भी उसकी ही बदलती है। मेरे दोस्त जो अपने बीते हालात पे कभी रोया नहीं। आइए थोड़ा सा बात करते हैं, अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी करेंगे। अब देख बेटा यहाँ पे 8000 ये हो गया प्रिंसिपल। अब देख यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और टाइम क्या हो गया हमारे पास 4। 4 साल का क्या होता है रेशियो, 4:6:4:1। बस कहानी खत्म। अब मैंने पहले ही बार बताया होगा कि पहला वाला जो होता है वो ऐसा ही होता है, और बाकी जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस। पहला वाला क्या होता है आपका, ऐसा ही होता है, बाकी सब क्या होता है, डिफरेंस। या फिर आप उस तरीके से भी कहेंगे तो बोलेंगे 1 साल में 10% तो 2 साल में 20, और यहां पे 8000 का 20% निकालेंगे जो कि 1600 है। लेकिन फिर भी स्टिल ऑन पब्लिक डिमांड हम कैलकुलेट करते हैं सीए, 8000 का 5% क्या होगा, 400। 400 का 5% क्या होगा, 20। गौर से मेरी बातों को सुनिएगा, 20 का 5% क्या होगा, 1, और इस 1 का 5% क्या होगा, 0.05। ओके, अब अगर करोगे तो वही आने वाला है 0.05। अब देखो यहां पे क्या मिलेगा, टोटल कितना मिलेगा, टोटल मिलेगा यहां 1600, यहां 120, यहां 4, और वहां मिलेगा 0.5। अब बात जहां तक निकल के आई है वो गौर से सुनिएगा, मेरी बात यहां पे सुनिएगा। ये पहला वाला ऐसा ही होता है, मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बता रखा है, लेकिन किन्हीं को अभी थोड़ी भी दिक्कत है तो सोचो यहाँ टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 400 × 4 यानी 1600, और यहां कितना मिलेगा 120, यहां कितना मिलेगा 4, और यहां कितना मिलेगा 0.05। यहां जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1600 + 120 + 4 + 0.05। लेकिन यहां इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, यहां इंटरेस्ट मिलेगा 8000 का 1 साल में 10% तो 2 साल में 20 यानी 1600। अब देखोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस कुछ और नहीं है, दोनों में डिफरेंस तो मैंने ये क्रिएट किया है,
मैंने पहले ही बोला था कि पहला वाला ऐसा ही होता है क्योंकि दोनों जगह 1600 है, जो डिफरेंस मेन क्रिएट हो रहा है वो यही क्रिएट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस यहाँ पे कितने का आ गया, डिफरेंस है इसी का, यानी होगा 124.05। दैट इज द आंसर। तो चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग जब अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में, तो हम लोग और भी सवाल करेंगे, अभी इसमें 2-3 पार्ट और आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।